सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, संचारी रोग के रोकथाम के लिए जिले में 10 मार्च से शुरू होगा दस्तक अभियान। JEE AES मरीजों के साथ TB और कालाजार मरीजों की भी खोज करेंगी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। काशी के गंगा आरती के तर्ज पर महानगर के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर भव्य गंगा राप्ती महा आरती का हुआ शुभारंभ। महापौर ने कहा, प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होगा भव्य माँ गंगा राप्ती महा आरती। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, जल्द ही शहरवासी उठा सकेंगे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लुफ्त। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के वाटर स्पोर्ट्स के आयोजनों की खुलेगी राह। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक। लंबित मुकदमों के निस्तारण में हो रही देरी पर DM ने जताया असंतोष। कहा, वादों का तेजी से करें निस्तारण जिससे लोगों को समय से मिल सके न्याय। यातायात विभाग ने कचहरी चौराहे पर U-turn कर यातायात व्यवस्था को सुधारने की कोशिश। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लगाया गया बैरिकेडिंग। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राजस्व वसूली बढ़ाए जाने पर दिया गया जोर। DM ने कहा, बढ़ाया जाए राजस्व। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं को किया सम्मानित। कहा, समाज में महिलाओं का है महत्वपूर्ण योगदान। पादरी बाजार में आयोजित हुआ अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन। यजमानों की सुख शांति और कोरोना के खात्मे के लिए किन्नर समाज ने की पूजा अर्चना। निकाली भव्य कलश यात्रा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना का सप्त दिवसीय विशेष शिविर का हुआ समापन। शिविर में कोरोना से बचाव की दी गई जानकारी। नगर निगम की विभिन्न समस्याओं को लेकर महिला कांग्रेस ने उप नगर आयुक्त को सौंपा उन्हें संबोधित ज्ञापन। मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। गोरखपुर में मंगलवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,489। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 26 रह गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। MP इंटर कॉलेज प्रांगण में किया गया 44वीं NCC बटालियन के कंबाइन एनुअल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। NCC के कैडेटों को दी गई टेक्निकल ट्रेनिंग। नगर निगम कर्मियों के लिए लगाया गया कोरोना वैक्सीनेशन का शिविर। सभी वार्डों के सफाई कर्मचारियों ने लगवाया कोरोना का टीका। सुनहरी शकरकंदी उत्सव की प्रदर्शनी और कार्यशाला का किया गया आयोजन। शकरकंदी से बने 17 प्रकार के व्यंजनों का लोगों ने चखा स्वाद। और 11 मार्च को भव्य रूप से मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का महापर्व। महापौर ने कहा, मंदिरों की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। 24 घंटे रहेगी जलापूर्ति। नगरवासियों को दी महाशिवरात्रि की बधाई व शुभकामनाएं।